नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर भट्टाचार्जी, आपका दोस्त, आपका हमसफर। वंस अगेन वेलकम टू चैनल मेड इन इंडिया। दोस्तों, अभी हम लोग प्रेजेंट है हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो ट्रेनिंग रूम पे। ये हमारा ट्रेनिंग रूम है और हमारा जहाँ पे मुंबई से, कलकत्ता से, आसाम से बहुत सारे लोग आए हैं और बेंगलुरु के भी एक भैया हमारे साथ है, तो वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज हम आपको ट्रेनिंग पे दो चीजें दिखाएंगे। एक तो अभी तक हमने कौन से वैरायटीज के प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, उस प्रोडक्ट को कुछ प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। और साथ ही साथ आज हम लोग लाइव इस कैमरा पे आपको एक फ्लोरा बत्ती बनाना दिखाएंगे, एक गुलाब बेस, रोज बेस, एक फ्लोरा बत्ती। और इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आज थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो पे हम लोग आपको बहुत सारे कुछ चीजें दिखने को मिलेगा जो नेचुरली लोग नहीं दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हमारा जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो करते हैं, हमने क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग किया है उसका थोड़ा वैरायटीज सैंपल आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फ्लोरा अगरबत्ती आपको फेस टू फेस एकदम लाइव ऑन कैमरा पे करके भी दिखाएंगे कि हमारा ट्रेनिंग सेशन कैसा चलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे जो प्रोडक्ट्स है जो हमने इन ट्रेनिंग में बनाया है। अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग में मिडिल पे हम लोग ये चीज आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है, कैमरा को थोड़ा जहां पे जूम करिए इस प्रोडक्ट पे, ये है धूना चंदन अगरबत्ती। ये अगरबत्ती हम लोगों ने स्पेशल क्वालिटी करके बनाए हैं। इसमें हमने थोड़ा सा सैंडल का भी परफ्यूम डाला है और कुछ हमारे सीक्रेट मसाले भी डाले हैं। और ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इसको हम कॉस्टली फॉर्मूला में भी बनाए हैं और चीप फॉर्मूला में भी बनाए हैं। ये जो हमने प्रेजेंट किया है ये आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमने जहाँ पे रखे हैं, और इसको और भी चीप बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ये देखिए, जहाँ पे रेड कलर के प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये है फ्लोरा अगरबत्ती। ये फ्लोरा स्टिक है, इसमें हमने जैस्मिन और सैंडल इन दोनों परफ्यूम को मिक्सअप करके इसको फ्लोरा फॉर्म में बनाए हैं। और इसके ऊपर में जो रेड कलर के कोटिंग देख रहा है, ये है रेड कलर के मेलनुरवा जो कोटिंग इस पे दिया जाता है। इसका जो खुशबू है, ये लोग जो किए हैं करने के बाद हमने जला है, इसको आप अपने आंगन में जलाएंगे तो पूरे के पूरे आपका जो घर का चौहत्ती है पूरे के पूरे सेट से भर जाएगा। अरे कृष्ण साहब, इसका क्वालिटी कैसा है? क्वालिटी तो भाला में जैसे दुकान दी है और काट से जो क्वालिटी का हमारे दाओ এটা আমাদের পছন্দ আসল में मार्केट। আপনি নগর প্রান্তিকে দোকানগুলোতে দিয়েছেন? হ্যাঁ। এবং দোকানদার কি বলেছে কোয়ালিটি? দোকানদার বলেছে যে এটা আমাদের কাছে ভালো লাগছে, এটা আচ্ছা আমাদের মানে হ্যান্ড ওভার করো আমরা নিয়ে নেব। আচ্ছা, ये हरे कृष्ण जी है। हरे कृष्ण जी बंगाल नगर उखरा से आए हैं। ठीक है, तो इनको मैंने इसका सैंपल दिया था, उन्होंने दुकान दुकान में जाके इसको सैंपलिंग किया है। उसके बाद दुकानदार लोगों ने जो बोला है कि ये भाई माल तुम हमको कब दोगे, इसका रेट बताओ, हम लोग खरीदने के लिए तैयार है। सभी लोगों को ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आप लोग भी ये प्रोडक्ट हम लोगों से मंगवा के देख सकते हैं। पहले कम क्वांटिटी में मंगवा सकते हैं, फिर ज्यादा क्वांटिटी में। और ये जो प्रोडक्ट है ये हम नहीं, हमारे जहाँ पे ट्रेनिंग किए गए लोग इसको सप्लाई करेंगे। हरे कृष्ण दा, आपका पूरा नाम बताइए। हरे कृष्ण सरकार। हरे कृष्ण सरकार, ठीक है, ये बंगाल से है। ये सारे प्रोडक्ट के लिए आप इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इधर पे थोड़ा कैमरा दिखाइए, ये है राहुल सूर्यवंशी। राहुल, यू आर फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र। नासिक, महाराष्ट्र। राहुल जी नासिक महाराष्ट्र से आए हैं। राहुल जी, ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है इस ट्रेनिंग सेशन पे, तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ बोलिए, हिंदी में बोलिए क्या कि सब लोग समझ सके। ये हमने खुद बनाए, खुद के हाथों से बनाए। हमें अभी जहाँ पे अभी रह रहे फ्लैट में, वहाँ पे जाके हमने ट्रायल किया
एक काठी जला के पूरा मतलब जो किचन हॉल बेडरूम बालकनी सब एरिया कवर कर ले एक काठी जलाने के बाद भी। और इसका क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है हमने, बहुत अच्छा बनाया इसको। अच्छा अभी राहुल जी मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा, एज यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, इस बात को भी थोड़ा मराठी लैंग्वेज में भी बोल दीजिए तो के महाराष्ट्र के लोग भी इसको देखें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से मेरे चैनल देखते हैं और हमारे देश में तो कई सारे लोग हैं, उनका भाषा अलग है, धर्म अलग है, सभी अलग है, तो आप थोड़ा मराठी लैंग्वेज में भी बोलिए, क्योंकि आई लव मुंबई वेरी मच और बिजनेस में मुंबई बहुत ऊपर है। और ये जो और एक बात मैं बता दूं आपको, अगरबत्ती का परफ्यूम बनाने के लिए जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं वो मैक्सिमम लोग मुंबई से ही आते हैं और ये मुंबई केमिकल का महाराजा है, तो थोड़ा सा बता दीजिए मराठी में। ओके ओके हेलो हेलो मित्रांनो, मी राहुल सुरवंशी, मी नाशिक वरून आलेलो आहे ट्रेनिंग साठी आणि आम्ही इथे ट्रेनिंग मध्ये आम्ही आता फ्लोरा अगरबत्ती पण बनवली, धूपकोन आहे, मच्छर अगरबत्ती चांगले चांगले बनवले आणि आम्ही फ्लोरा अगरबत्ती अशी बनवली की खूप छान आहे, म्हणजे मी आम्ही जिथे राहतोय आता ज्या फ्लॅटमध्ये तिथे आम्ही एकच अगरबत्ती लावली आणि खूप छान म्हणजे खूप सुंदर फ्लेवर, आम्ही तिथलं सँडल प्लस त्याच्यामध्ये आम्ही जास्मिनचा पण फ्लेवर त्याच्यामध्ये मिक्स टोन केलेला आहे, म्हणजे दोन्ही म्हणून आम्ही फ्लोरा अगरबत्ती खूप छान बनवलेली आणि एक अगरबत्ती लावून पण खूप दरवतो सवास, तुम्ही एक आमच्याकडून परचेस करू शकता। मी नाशिकला आता आम्ही तुम्ही जाणार आहे, दहा मार्चपासून आम्ही प्रोडक्शन पण चालू करणार आहे, जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही आमच्याकडून छोट्या प्रमाणात तुम्ही घेऊ शकता आणि तुम्हाला एक सॅम्पल म्हणून आम्ही प्रोव्हाइड करू, जर तुम्हाला ते आवडलीच तर तुम्ही आमच्याकडून कंटिन्यू तुम्ही करू शकता। आणि माझं नाशिकमध्ये पिंपळ वसंतमध्ये माझं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे, तर तिथे आम्ही फ्रॉ अगरबत्ती, सेंटेड अगरबत्ती, आता प्लस आता एक धूपकोन सगळं आता चालू करणार आहे 10 मार्चपासून। तर माझा मोबाईल नंबर 70 28 22 13 55 हा माझा माझा पर्सनल नंबर आहे, तुम्ही माझ्या ह्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता। ओके थँक्यू। ओके हमारा जो नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है मतलब हमारे दोस्त है बोलिए हमारा सहकारी है, ये सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं, हम जहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं, नया प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो वो है कृष्ण गोपी जी। कृष्ण गोपी जी हमसे बहुत बुजुर्ग आती है, नहीं नहीं आप बैठिए हम आते हैं उधर, ठीक है। अब अभी कृष्ण गोपी जी के पास आए हैं और मैं जहाँ पे और एक तो बात आप लोगों को बता दूं, देखिए ये जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग रिसर्च और करते हैं, कोई हाई फाइव वाला बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा अपने घर में ही मैं करवाता हूँ, कोई एसी वैसी या कुछ बात नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन परफेक्ट प्रोडक्ट वेराइटीज क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट हम लोग उस पर रिसर्च वर्क करते हैं, सिर्फ सिखाते नहीं है हम लोग मिलकर सीखते हैं। तो कृष्ण गोखले जी आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और ये प्रोडक्ट के बारे में भी बताइए। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव कृष्णा गोखले आहे, मी डोंबिवली येथे राहतो महाराष्ट्र जिल्ह्यामध्ये, इथे आम्ही जे आलेलो आहोत जे ट्रेनिंग सेशनसाठी, हे ट्रेनिंग जे आम्हाला दाखवतात जे स्वतःही दाखवतात आमच्याकडून पण करून घेतात आहे, त्याच्यामधून आम्हाला नवीन वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे, जेणेकरून आम्ही घरी गेल्यानंतर ही जी माहिती जी आम्हाला मिळालेली आहे त्याच्यावरून आम्ही ते प्रयोग करून स्वतः आम्ही हे डेव्हलप करू शकतो। माझा स्वतःचा पर्सनल नंबर आहे 9833209964, हा माझा स्वतःचा वैयक्तिक नंबर आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला जे प्रोडक्ट वगैरे जे आहे त्याच्यानंतर 10 तारखेच्या नंतर तुम्हाला थोडेफार प्रमाणात, जास्त प्रमाणात नाही, थोड्याफार प्रमाणामध्ये तुम्हाला सहजपणे मिळू शकते। अच्छा तो मैं अभी थोड़ा सा एक बात बता दूं आप लोगों को, ये तो हमने ये फ्लोरा बत्ती और भुना चंदन बत्ती के बारे में बताया, अभी गोखले जी हमारे साथ है, हमसे बहुत बड़े हैं उम्र में, हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए मैंने एक स्पेशली प्रोडक्ट का ट्रेनिंग करवाया है जहाँ पे, तो वो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ, फिर गोखले जी के साथ थोड़ा सा और भी बात करना है। ये देखिए इस प्रोडक्ट को देखिए, कैमरा को जूम करिए, ईयर आयलर पिक्चर, ये है धूप बत्ती, ये धूप बत्ती हम लोगों ने बनाया है जहाँ पे ये अभी तक पूरा सूखा नहीं, ये है धूप बत्ती। हाँ ये धूप बत्ती का क्वालिटी जो है ये बहुत बढ़िया है और ये किसी भी फ्लोरा बत्ती से कम नहीं है। और मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि गोखले जी जो है, गोखले जी अभी एक रिटायर्ड पर्सन है और गोखले जी मुंबई में
एक धूपपत्ती और धूपकाठी का बिजनेस करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वैसा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वो जब अभी हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए ऐसा कुछ करें कि उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले, क्योंकि गोखले जी का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। गोखले जी मशीन बिठाने के लिए सोच रहे थे, हम लोगों ने बोला है कि मशीन अभी मत बिठाना है। ठीक है, क्योंकि मशीन के पीछे ये जो कुछ लोग 80-90-1 लाख ऐसा बोलते हैं, इसमें बहुत सारे मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है, उन कॉम्प्लेक्सिटी में इनको नहीं जाना है। उनको क्या करना है, ये जो धूप बत्ती है इसको गोखले जी बाय हैंड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इसपे उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इनको करने का सारे के सारे प्रोसीड्यूर्स अभी उनके पास है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है मुंबई में गोखले जी के लिए, और गोखले जी विदाउट मशीन इसको मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसको ऑनलाइन मार्केट करेंगे। कैसे करना है उसका भी गाइडेंस दे देंगे। गोखले जी अपना नंबर दे चुके हैं और हम लोग ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए हम हर ट्रेनिंग का कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पे स्क्रीन पे दे रहे हैं। पहले राहुल जी ने बात किया, उनका भी दिया है, इनका भी दिया है, हरे कृष्ण जी का भी दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको अगर आपको अगर अच्छे क्वालिटी के फ्लोरा अगरबत्ती, धूप बत्ती और ये देखिए धूना चंदन बत्ती, धूना बत्ती ये जहाँ पे दिखाई, ये है धूप कोन। ठीक है, ये बाय हैंड मैन्युफैक्चरिंग किए गए हैं, इसको भी विदाउट मशीन बाय हैंड हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये सारे के सारे चीजें इन सबके पास आपको मिल जाएंगे। आफ्टर 10th मार्च आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट करिए, क्योंकि 5th मार्च तक ये लोग हमारे साथ इस ट्रेनिंग सेशन में रहेंगे। ये लोग 16 फरवरी को आएंगे, 5th मार्च तक इनका ट्रेनिंग चलेगा, और जो भी हम लोग के पास ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, हम लोग ऐसे 15-20 दिनों का एक क्लास करते हैं, हर दिन 2 करके क्लास होता है, टोटल 25-30 क्लासेस होता है। इसमें हम लोग अगरबत्ती बनाना भी सिखाते हैं, धूप बत्ती धूप कोन बनाना सिखाते हैं, ये देखिए मच्छर बत्ती बनाना भी सिखाते हैं, और साथ ही साथ परफ्यूम बनाना भी सिखाते हैं। और ये जो परफ्यूम से और ये जो पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये हम लोग 2 आदमी मिलके चला रहे हैं, एक है हम चला रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रैग ब्रदर्स नाम का यूट्यूब चैनल का कौशिक जी, कौशिक देव। तो कौशिक जी जो परफ्यूम है, परफ्यूम का जो साइंस है, ठीक है, परफ्यूमरी साइंस का पार्ट पढ़ाते हैं और हम लोग और कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं, और मैं स्पेशली अगरबत्ती धूप बत्ती धूप कोन और कुछ परफ्यूम भी बनाना जहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अच्छा अभी मत चाहिए, हम उसमें थोड़ा सा कष्ट करेंगे, वो 2 परफ्यूम लेके आइए जो हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने 2 परफ्यूम कल बनाया था, लेकिन वो 2 परफ्यूम मैक्सिमम बिक चुके हैं। ये देखिए, ये परफ्यूम हम लोगों ने बनाया था, इसका नाम है बुकेट मिसाई, ठीक है, और ये है वसुंधरा। ठीक है, ये जो वसुंधरा परफ्यूम है थोड़ा सा साई फ्लोरा टोन के है, इसका तो खुशबू बहुत ही बढ़िया है, और साथ साथ में ये जो बुकेट मिसाइल है ये आप लोग बहुत ही ज्यादा रोशनियों में तोड़ सकते हैं, 6, 7, 8, 9 तक आराम से तोड़ सकते हैं एज पर योर क्वालिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोग बनाना जहाँ पे सिखाते हैं, और परफ्यूम में हम लोग ये स्पेशली सिखाते हैं कि कौन सा केमिकल मिलाना है, क्यों मिलाना है। अभी मुंबई के बारे में एक बात बोलेंगे, गोखले जी ट्रेनिंग सेशन में गोखले जी हमको एक बात पूछे थे कि ये MX पाउडर होता क्या है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे करते जैसे कि मुंबई पे, मुंबई वालों के लिए मैं बोल देता हूँ, MX पाउडर नाम का जो चीज मुंबई पे घूमता है वो और कुछ नहीं है, मास्क एम्ब्रेड को ही MX पाउडर बोला जाता है। इसको थोड़ा मराठी में बोल दीजिए सर। मी जिकत गेलो तो सुगंधाठी वाढवण्यासाठी त्यांना लोकांना दुकानदारांना विचारलं होतं MX पावडर मला पाहिजे, तर त्यांनी सरांनी नाव जे सांगितलं, नावाचं स्पेलिंग पटकन लक्षात येत नाही माझ्या, कारण आम्ही या फील्डमध्ये नवीन आहोत म्हणून,
त्यांनी आम्हाला थोडेसे जे दाणे सारखं जसे असतात तसे केशरी रंगाचे दाणे तसे मला दिले आणि त्यांनी मला सांगितलं की हे तुम्ही थोडंसं बारीक करा आणि तुम्ही तुमच्या डीपी आणि परफ्यूममध्ये मिक्स करा आणि त्याचा याच्याने सुगंध थोडा वाढेल. ओके थँक्यू. अच्छा तो ये अभी पूरा प्रोडक्ट को और एक बार दिखा दीजिए. राधा रमन जी ये तस्वीर उठा रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन बहुत ही मदद कर रहे हैं. ये है धूप कोन, ये है धूप पत्ती, ये सब थोड़ा पत्ती है, ये है धुना चंदन पत्ती, ठीक है, और ये मच्छर पत्ती है. और उस साइड उसको तो दिखा दिया अभी, वो जो परफ्यूम भी कुछ बनाए हैं, ठीक है. तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अभी एक बात, कोई कुछ भी बोले, ठीक है, हम साफ साफ ओपनली जहाँ पे सभी जो और लोग हैं जो हमारे बारे में थोड़ा बहुत बोलते हैं उनको चैलेंज करते हैं. अगर दम है तो हमारे पास आओ, अगरबत्ती है हमारे साथ कॉम्पिटिशन करो, ठीक है. और हम लोग का जो ये जो क्वालिटी है, ठीक है, ऐसे क्वालिटी का माल बना के दिखाओ. हम जो जहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, हम लोगों का ट्रेनिंग का फीस है 10,500 रुपीज, और जो लोगों के लिए रहने का जगह का जरूरत होता है उनके लिए 3,000 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है. अच्छा अभी हम लोग हरे कृष्णा जी हमारे बंगाल से है, ठीक है, उनको साथ थोड़ा बहुत बात करेंगे क्योंकि पिछले दिन हमने एक लाइव सेशन किया था, ठीक है, तब हरे कृष्णा जी को हमने लाइव सेशन में दिखाए थे. हरे कृष्णा जी थोड़ा इधर आ जाइए, राहुल जी आप थोड़ा उस साइड चले जाइए. अच्छा कल जब हमने ट्रेनिंग पे आपको दिखाया था, ठीक है, ये देखिए मेरा अंदाजा देखिए, ठीक है, हरे कृष्णा जी ने मुझे कुछ नहीं बताया. ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, लाइव सेशन होने के बाद आपके पास फोन आया था. फोन आया था किसका? अपूर्वता का फोन आया था. अपूर्व बैनर्जी ने फोन किया था और फोन करके ये बताया था कि आप दिवंगत दा के पास क्यों जा रहे हो, बहुत बुरे आदमी है, चीटर है ना, बोले थे. हाँ आपने मेरे को नहीं बताया, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, इन्होंने मुझे बताया नहीं, ठीक है. मेरा अंदाजा था, मेरे को पता था वो फोन करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं उनका स्वभाव ही ऐसा है, ठीक है. वॉट एवर कोई कुछ भी सोचे, लेकिन आप जहाँ पे आएंगे तो हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे और आपका जो प्रोडक्ट होगा उसको ऑनलाइन पे मार्केटिंग आप लोग कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको मदद करेंगे. जैसे ये जो गोखले जी है, मैं आज से 6 महीने बाद आप लोग देख लेना कि गोखले जी का प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है और उसके बाद हम लोग मुंबई में जाके भी उसका लाइव आपको दिखाएंगे कि ट्रेनिंग करने के बाद गोखले जी ये प्रोडक्ट बिना मशीन बिठाए सेल कर रहे हैं और पहले से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये भी दिखाएंगे. 6 से 7 महीना वेट करें, ठीक है. अभी ये प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन कर दिया हूँ. अच्छा थोड़ा एक बार हर सबका नाम, ये है कृष्ण गोखले, मैं हूँ दीपंकर भट्टाचार्य जी, आप हैं हरे कृष्ण सरकार, हाँ, और मैं राहुल सूर्यवंशी. तो अभी चलिए हम लोग फ्लोरा अगरबत्ती बनाएंगे और वो भी आप लोगों को इन कैमरा दिखाएंगे, ठीक है. तो चलिए फ्लोरा अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं. ओके ठीक है. तो दोस्तों आज हम लोग एक फ्लोरा बत्ती बनाएंगे और इसमें हम लोग रोज का परफ्यूम यूज करेंगे. तो इसमें हम लोग एक खुद का बनाया हुआ सॉल्यूशन भी यूज करेंगे जिसके वजह से इस काठी में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छा ओरिएंटेशन आएगा, ठीक है. तो चलिए पहले हम मसाले का जो कॉम्बिनेशन है वो लिख लेते हैं. हम जहां पे आपको, अच्छा कैमरा को थोड़ा नजदीक लाइए कि लोग देख सके, फ्लोरा, ठीक है. पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है चारकोल. क्लियर व्यू आ रहा है ना? अच्छा पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है चारकोल. नेक्स्ट आप लोगों को हमने पहले भी बता चुके हैं कि इसमें हम लोग सॉडस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके बदले में हम लोग कूपम डस्ट का इस्तेमाल करेंगे. तो दे देते हैं कूपम डस्ट. कूपम डस्ट कितना देंगे?
अगर हम चारकोल लेते हैं 800 ग्राम तो कूपन राश देंगे 200 ग्राम, तो चारकोल देते हैं 800 ग्राम और कूपन राश दे देते हैं 200 ग्राम, ठीक है। व्यूअर्स इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है एडहेसिव, इस पे कोई ना कोई आटा हमको देना पड़ेगा। तो मशीन पे फोड़ा बनाने के लिए थोड़ा बहुत गुआर गम देना पड़ता है, तो और जिकेट का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जिकेट और चाल में है गुआर गम। जिकेट, जिकेट हम लोग इस पे देंगे, एक किलो में हम लोग देंगे आपका लगभग 120 ग्राम, ठीक है। चलिए 120 ग्राम। और गुआर गम कितना देंगे गोखले जी? 30। ओके, 30 ग्राम हम लोग गुआर गम दे देते हैं। ये हो गया हमारा मसाले का कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग ये तो मसाला हम लोग पहले बना के रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेल नुरभा बनाएंगे। मेल नुरभा मतलब वुड डस्ट लेंगे। हाँ, वुड डस्ट में हम उसको क्या करेंगे? अच्छा गोखले जी थोड़ा बताइए, गोखले जी मेल नुरभा कैसे बताए? बैठिए मेल नुरभा कैसे बनाया जाता है? पहले हम उसमें मेल नुरभा बना, यानी मुंबई में उसे मसाला कहते हैं, मसाला बत्ती कहते हैं। हाँ। यहाँ पे फ्लोरा बत्ती कहते हैं, हमने मुंबई में मसाला बत्ती कहते हैं। उसका जो मसाला है उसके लिए हम सॉडस्ट लेंगे, मतलब मेल नुरभा बनाने के लिए सॉडस्ट लेंगे। और उसमें कलर लाने के लिए कौन सा भी जो अपना कलर है, जो होली में हम कलर लेते हैं, वो कलर हम उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो वो कलरफुल बन जाएंगे। और साथ ही साथ जो परफ्यूम का हमें फ्लोरा पत्ती बनाना है, वो परफ्यूम हल्का सा उसमें छिड़क के देना है, तो उसमें उसका खुशबू आ जाएगा। अगरबत्ती होने के बाद उसमें हम लोग कोटिंग देंगे। तो चलिए, ये जो मसाले वाला पोर्शन है इसको हम लोग पहले मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे जो लिक्विड, जो सिरारस जैसा जो हम लोग यूज करते हैं उसको बनाने का प्रोसीजर। तो दोस्तों, हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिकल व्यू पे आ गए हैं, तो अभी हम लोग मसाला को मिक्सअप करेंगे। आप लोग जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है बोर्ड को देख के, ठीक है, हम लोग 500 ग्राम का एक बैच बनेंगे। आधा बोर्ड पे हमने 1 किलो का बोला था, अभी हम 50% करेंगे, ठीक है। चारकोल देख लीजिए कितना, 400 ग्राम हाँ दीजिए। और कीजिए, ठीक है दीजिए, थोड़ा कम ज्यादा, बस बस बस। हम 400 ग्राम चारकोल दे चुके हैं, इसको हटाइए, ठीक है ठीक है ठीक है, भाई पे रखिए ना। अभी क्या देंगे? कूपन लास्ट। अच्छा, इसको जीरो कर लेते हैं, जीरो कर दिया कूपन लास्ट। 100 ग्राम धीरे धीरे बेसी लाभ हम इसमें गुआर गम दे रहे हैं।
जहाँ पे हमने आपको एक्चुअल फॉर्मुलेशन बता दिया, लेकिन हम जहाँ पे गुआर गम से भी कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है सिर्फ गुआर गम से करने से। बस 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 ये गुआर गम हमने दे दिया है, अभी इसको सब लोग मिलके मिक्सअप करने का है, ठीक है। अच्छा चलिए मोहन जी इसको मिक्सिंग अप करिए, या राम सूर्यवंशी जी चलिए मिक्सअप करिए। अच्छा दोस्तों, जहाँ पे हमारा जो मेन लूरबा का पार्ट है, जो ऊपर में जो कोटिंग होता है, उस कोटिंग जनरली इसमें हम सोचे थे कि इसमें येलो कलर का कोटिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास येलो कलर नहीं है, ठीक है। तो पिछले दिन हम एक रेड कलर के बना चुके हैं, येलो कलर खत्म हो गया है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक नया स्टाइल में करते हैं। येलो कलर भी आप यूज कर सकते हो, हम लोग वुड डस्ट के बदले में कूपम डस्ट में थोड़ा सा परफ्यूम डाल के कूपम डस्ट का ही कोटिंग इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। और एक बात है, हम एक मिश्रण तैयार करेंगे और लास्ट में हम जो परफ्यूम इसमें डालेंगे, वो परफ्यूम हम थोड़ा पहले से तैयार करके रखते हैं। एक परफ्यूम ये हमारा सिर्फ दो केमिकल से हम एक परफ्यूम थोड़ा सा बनाएंगे और उसके साथ रोज का परफ्यूम इस मसाले में डालेंगे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन जो हम बना रहे हैं वो आपको इन कैमरा दिखा रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बहुत ही मदद करेगा। गोखले जी अभी ये जो बीकर है, इस बीकर में थोड़ा सा बार्गामोट ऑयल डालेंगे। बार्गामोट ऑयल रोज को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बार्गामोट ऑयल डालिए गोखले जी। अरे गिर गया ये सर। हाँ ओह सॉरी 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 सॉरी, इधर सर दीजिए, ये फट गया है ड्रम को मेरे को चेंज करना है, उसको हटाइए, जरूरत नहीं है, जरूरत आप एक काम करिए, उसको ना जैसे कर रहे थे वैसे करिए, हाँ तो उधर से ही निकल जाएगा इसमें। कितना लेना है? वैसे करने से फिर से गिरेगा, आपकी बात से गिरेगा। मैं जैसा बोल रहा हूँ इसको लगाइए, इसको लगाइए, अब वहां से लीजिए। हाँ हाँ दीजिए, और थोड़ा सा दीजिए, बस बस ये देखिए हमने वो ड्रम थोड़ा सा उसपे लीक हो गया, इसीलिए वो उधर से गिरा, फट गया ड्रम, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये देखिए जहाँ पे हमने बार्गामोट ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ देखते हैं, इसको रख दीजिए, इसको ड्रम को चेंज करना पड़ेगा। वो दीजिए ना, वो जो जस्ट, हाँ इसको दीजिए। ये देखिए हमने जहाँ पे बार्गामोट ऑयल को दिया है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए ये कोई एडिटेड रिकॉर्डिंग नहीं है, जो होता है ट्रेनिंग पे हम वही दिखाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना बार्गामोट ऑयल लिया है, इसको जीरो करके रखे थे, इसके इसमें 13 ग्राम हमने 13 ग्राम बार्गामोट ऑयल लिए है, ठीक है। अब गोखले जी इसमें आप एक काम करिए, थोड़ा सा सैंडला डालिए, सैंडला हाथ से उठा कर दीजिए, बाद में हाथ धो लीजिएगा। हाथ से उंगली से उठा कर सैंडला, ये है सैंडला, ठीक है, रोनिया कंपनी का सैंडेला, एकदम प्योर वाला जो सैंडेला है वो है। इसको आप बार्गामोट ऑयल के साथ मिला रहे हैं, हाँ डालिए इसको, हाँ डालिए 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 और डालिए, थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस इसको उंगली को
दूसरे मुझे से दाबे हो गिर गया है और बड़का मोटा आदमी थोड़ा हाँ ठीक है ठीक है। ये देखिए इसके हमने सैंडेला के साथ बर्गामॉट ऑयल जहाँ पे मिला दिया है, देखिए नीचे सैंडेला बैठा हुआ है, तो ये कुछ देर समय लगेगा इसको डाइल्यूट होने में, ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा इसके लिए। तो ये हम पहले से बना के रखते हैं, ये हमारे बहुत काम आएंगे, ये बर्गामॉट और रोडिया सैंडेला का मिश्रण। तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो ये हमने प्रिपेयर करके रख दिया। अब इसके साथ रोज परफ्यूम को मिला के ये भी देंगे मसाला पे, रोज परफ्यूम को भी देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक मिश्रण हमको बनाना है, जैसे कि जागरी डालते हैं, जागरी है ना कि गुड़, रेजिनॉइड डालेंगे, वेनिलिन जैस्मिन पाउडर डालेंगे और कुछ चीजें है वो हम लोग डालेंगे, ठीक है। उसको हम उस पार्ट पे आ जाते हैं, क्या क्या डाल के वो जो मिश्रण जिसको शिला रस बोलते हैं ना, वो हम लोग कैसे बना रहे हैं स्पेशली मशीन मेड फ्लोरा के लिए, वो हम आपको बताएंगे। तो इसको हम अलग से रख देते हैं, ओके। तो दोस्तों अभी हम लोग जहाँ पे कुछ केमिकल का नाम लिखे हैं, ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका शिला रस जो बनाते हैं, हम लोग अपने तरीके से एक शिला रस बनाएंगे जो मशीन के लिए फ्लोरा पत्ती बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो इसमें फर्स्ट आइटम आता है जागरी यानी के गुड़, ठीक है, वो जो गन्ने का जूस को जाल देके जो बनाया जाता है, गुड़ बोलते हैं बंगाली में और जागरी बोलते हैं बाहरी स्टेट में, जागरी जागरी। या तो आप लोग हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी यानी के मधु। नेक्स्ट है हम जागरी देते हैं 50 ग्राम, वाटर 50 ग्राम, वेनिलिन पाउडर 5 ग्राम, यस्मिन पाउडर 5 ग्राम, कोमारिन पाउडर 5 ग्राम। अब एक रेजिनॉइड डालते हैं, इसका नाम है रेजिन बेंजोइल। रेजिन बेंजोइल एक्चुअली इट्स अ आई मीन सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ लोबान, इसमें लोबान का खुशबू आता है और ये रोज के परफ्यूम को बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है, तो इसीलिए हम लोग जहाँ पे रेजिन बेंजोइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग थोड़ा सा डीपी ऑयल देंगे इसमें और एक सीक्रेट केमिकल हम लोग यूज करेंगे जिसके वजह से फैलाव आएगा, लेकिन वो सीक्रेट जो केमिकल है इसको हम लिखते हैं सीक्रेट, ये 100 ग्राम, दैट मींस दैट केमिकल 50 एंड डीपी ऑयल 50। ये हम जहां पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये हम जहां पे बताएंगे तो बहुत सारे लोग इसको जान रहे हैं। आप मेरे को फोन कर सकते हैं, फोन पे हम लोग आपको बताएगा, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट चीज है जिसको हम इस सिलारेस के अंदर में डालेंगे। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये जो सीक्रेट मटेरियल जो है जिसका नाम हम जहां पे नहीं बता रहे हैं, उससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, कोई भी खराब परफ्यूम को अच्छा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जो भी हो वो केमिकल ये सारी चीजें देके हम लोग ये सिलारेस बनाएंगे। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग हमारे पास आएंगे या ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन करेंगे तो ये जो सीक्रेट चीजें हैं, ठीक है, जिसको ये जो सीक्रेट है, ठीक है, ये सारे चीज ट्रेनिंग पे डिस्क्लोज किया जाएगा। वॉट एवर इट मे बी, आप लोग ऐसे साधारण तरीके से बनाने के लिए ये सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप लोग एक कटोरा पे लेके उसपे आप लोग उसको गर्म करिए, हीट दीजिए, तो ये बिल्कुल एक लिक्विड जैसा फॉर्म में, सेमी लिक्विड जैसा फॉर्म में बन जाएगा और उसको हम लोग मसाले में मिलाएंगे। अभी आगे हम वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं, बना के इसको प्रैक्टिकली तैयार करते हैं। अभी गोखले जी डालिए आपका जाखनी, डालिए 50 ग्राम, ओके एकदम परफेक्ट। अच्छा अभी इसमें पानी डाल देता है, ठीक है, इसमें पानी है, पानी डालेंगे 50 ग्राम, जीरो कर, ठीक है, उसको जीरो कर लीजिए। हाँ डालिए पानी, डालिए 50 ग्राम, वेट उसको जीरो कर दीजिए। हाँ डालिए 50 ग्राम, बस कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग हमारा जो सीक्रेट मसाला है, ठीक है, वो सीक्रेट मसाला को हम लोग
डालेंगे, लेकिन जहाँ पे आप वीडियो पे उठा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में इसको एडिट करके काट देंगे। सीक्रेट मसाला हम बताए नहीं, वो सीक्रेट ही रहेगा, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है, स्टॉप। तो दोस्तों ये देखिए कैमरा को थोड़ा सा जूम करिए, जहाँ पे हमने सारे के सारे केमिकल्स डाल दिए हैं हमारे, और सीक्रेट केमिकल्स भी इसमें है, ठीक है, उसका नाम हम अभी नहीं बता रहे हैं। इसमें जैस्मिन, कुमारिन, हेलेनिन, कुछ डाले हैं और कुछ सीक्रेट चीजें भी डालेंगे, वो ट्रेनिंग सेशन पे आपको बताया जाएगा। अभी इसको हम लोग गर्म करेंगे, करके इससे शिला रस बनाएंगे, जो हमारे ये फ्लोरा पत्ती का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, शिला रस बनाना। तो इसको हम लोग गर्म करते हैं, चलिए देखिए क्या होता है, चलिए। अच्छा ये देखिए अभी हम लोग इसको गर्म करेंगे, ठीक है, इसके लिए हमने ओवन के ऊपर इसको बिठाया है, इसको हम लोग गर्म करेंगे और एक सिगारा जैसा चीज बनाएंगे। इससे अभी बहुत एक अच्छा सा खुशबू निकालने लगा है, इससे कुछ साउथ इंडिया में इसको चटनी भी बोला जाता है, ये एकदम चटनी की तरह बनता है, सही से दिख रहा है ना। हमारे दोस्त राधा रमन जी बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, कैमरा के पीछे है राधा रमन जी, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये उन्हीं के बदौलत आप लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा लगभग बन चुका है, लगभग बन चुका है। अभी हम इसको मसाला पे डालेंगे, इससे अभी भी एक बहुत अच्छा सा खुशबू आ रहा है। हरे कृष्ण दा आ जाइए, अभी इसको हरे कृष्ण दा मसाले पे मिलाएंगे, आ जाइए। कैमरा को इधर दिखाइए, ये देखिए हमने इसको जहाँ पे इसको डाल दिया है, ठीक है, ये स्क्रूड्राइवर इसको हमने डाल दिया है, ये
ठंडा हो आलो से नहीं आस आलो से पानी कहाँ क्या पानी गुजर ही है ना नहीं वो जो वो पानी उधर वो रखी उधर उधर है उधर कर देता तो पानी हमने अब इसमें पानी देंगे उसको वहाँ पे रखिए हम पानी दे देते हैं ये इधर वो नहीं देते वो तुम्हें अच्छे से रखते हैं ठीक है जब तेरा और कुछ चपा इसमें हमने 150 ग्राम पानी डाल दिया है इस मिश्रण को डाल दीजिए दी चापा नेर ओपरे रोजर पार्टिंग का दिए दी फ्लोरा काठी हम लोग का बन गया है कुकम डस्ट का कोटिंग से जैसे कि ब्रांडेड कंपनी का जो फ्लोरा काठी होता है उससे इसका खुशबू कम नहीं होगा ज्यादा होगा तो कम नहीं होगा ये हम लोगों का गारंटेड है ये देखिए आगे इसको अगर आप सैंपल के तौर पे लेना चाहते हैं हमको बोलिएगा हम लोग भेज देंगे ठीक है
तो ये आज हमारा ट्रेनिंग सेशन में हमने आपको फ्लोरा काठी का एक प्रोसेस दिखाया, एक पार्ट दिखाया है, और भी बहुत सारे पार्ट है और भी बहुत सारे स्टाइल से हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ऐसे मशीन की तरफ दिखाइए, ऐसे बहुत सारे और भी काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अगरबत्ती का काम है, इसमें आपका अपना जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो क्रिएटिविटी आपको अपने दिमाग से अप्लाई करना होगा। आप खुद ही बहुत सारे टाइप्स के अगरबत्ती बना सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग पे आपको यही टेक्निक सिखाया जाता है। सिर्फ अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती का परफ्यूम खुद भी बनाया जा सकता है, ठीक है, वो भी सिखाते हैं। और परफ्यूम के साथ परफ्यूम मिला के नहीं, केमिकल बेसिस पे, केमिकल के साथ केमिकल मिला के कैसे सस्ते में परफ्यूम बनाया जाता है, वो भी हम लोग सिखाते हैं, ठीक है। और परफ्यूम ठीक से बनाने के लिए कोई एक फॉर्मुलेशन ले लिया, ये ले लिया, वो तो ठीक है, लेकिन उससे आप अच्छा परफ्यूमर नहीं बन सकते। अगर परफ्यूम को सही तरीके से बनाना है तो आपको उसके पीछे जो साइंस है, उस साइंस को जानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप अपने लिए कई सारे लाखों हजारों फॉर्मुलेशन खुद ही बना सकते हैं, खुद ही आप बना सकते हैं। वो साइंस हम लोग सिखाते हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो जहाँ पे फोन नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करिए। ये जो बैच चल रहा है ये 5 मार्च को खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन अनाउंस करेंगे। और हम एक बैच में चार से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं। इस बैच पे आप देख रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली 4 ही स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम हुआ है, उनका भाई का, वो है अवधेश रॉय जी। देखिए, पहले हम आपको पिक्चर दिखा चुके हैं, देखिए वहाँ पे 4 आदमी थे, लेकिन उनका भाई का थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से वो लौट गए हैं। नेक्स्ट सेशन में वो फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो 4 से ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है एक बैच में, ओके। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें इस ट्रेनिंग सेशन में, इस नंबर पे फोन करिए। और ये जो सर आप भी कुछ बोलिए, आपके मराठी लैंग्वेज में कुछ बोल दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र वालों के लिए जो गोखले जी सरांनी जे सांगितले ते अगदी बरोबर आहे। या ह्याच्यामधून आपण व्यवस्थितरित्या कशा पद्धतीने आपण अगरबत्ती जे फ्लोरा अगरबत्ती आपण जिथे महाराष्ट्रामध्ये किंवा मुंबईमध्ये मसाला अगरबत्ती म्हणतो कशा पद्धतीने आपण बनवू शकतो, तसेच त्यांनी थोडक्यात जे आता सांगितलं धूपस्टिक, आपण ज्याला तिथे धूपस्टिक म्हणतो, ते पण कशा पद्धतीने बनवू शकतो ते त्यांनी थोडक्यात दाखवलेलं आहे। त्याच्यावरून आपल्याला आपलंही थोडं डोकं लावून आपल्यालाही थोडा अभ्यास करून वेगवेगळ्या प्रकारचे सुगंध आपण बनवू शकतो, ही गॅरंटी आहे, ओके। और ये हरे कृष्णा, आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, इस साइड आप सुन आ दो, चलो ठीक है, लाइटिंग ठीक है। हरे कृष्णा, आप कुछ बोल, बांग्लाते ही बोलूं की बोल रहे আমরা যে এখানে ট্রেনিং নিয়েছি, ট্রেনিংটা খুব ভালো, কারণ যে কিছু শেখাচ্ছে সব কিছু সঠিক, আর অনেক রকম আইটেম আমরা এখান থেকে শিখতে পারছি। শুনুন, এখানে একটা কথা বলি, বেঙ্গলের জন্য, বেঙ্গলের লোক, ঠিক আছে, হয়তো বলবে যে আমি আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছি, এসে আমি বল সকতে কে ম্যান। শুনুন, আপনি এখানে যা শিখেছেন, পারফিউম বানানো শিখেছেন, পারফিউমের টেকনিকটা শিখেছেন, নিজের বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করে, আপনার দিমাগ অ্যাপ্লাই করে কেসে ভ্যারাইটিস অফ ইনসেন্স কি আগরবত্তি আমরা বানা সকতে, ওটা শিখেছেন, ও শিখে হ্যাঁ। আর পারফিউম কা কুছ ফর্মুলেশন মিলা হ্যায়, লেকিন আগে জাকে ইয়ে জব কমপ্লিট হোগা তো আপ খুদ হি আপনা ফর্মুলেশন তৈয়ার কর সকতে হ্যায়, আপনি নিজেই নিজের আপনার ফর্মুলেশন তৈরি করতে পারবেন। কিন্তু একটাই কথা, এগুলোকে সিক্রেট রাখবেন, কারণ আপনার কাছে এরপরে অনেক ফোন আসবে, ইনকে পাস বহুত ফোন আয়েগে, ইনকা ফোন নম্বর হম দে দেঙ্গে, कि आप लोग खुद जांच लें कि हमारे पास जो लोग ट्रेनिंग दिए हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। जब आप उनको फोन करेंगे, मैं तो नहीं रहूंगा, ऐसा भी आपको डाउट हो सकता है कि मैंने इनको सिखाया है कैमरा के सामने, ऐसे ऐसे नहीं, आप उनको पर्सनली फोन करिए, करके देखिए, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत है। ये जो बैच है, और इन लोगों के साथ हम लोग बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, एक ग्रुप बना के। आप भी ट्रेनिंग लेंगे तो आपके स्टेट पे भी हमारे साथ बिजनेस होगा, ठीक है, हमारा कोशिश है। अब देखते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।